हेलो मेट्स, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस बनाने के लिए। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, मैं वीडियोज बना पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका वक्त जरा भी बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि स्पॉइलर्स हर जगह होते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या बना दिया है दोस्तों, यार बहुत दम था स्टोरी में, बहुत दम था। मैं कह रहा हूँ, दिल कह रहा था कि मूवी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल के रख देगी, लेकिन दिमाग कह रहा था कि इतनी अच्छी नहीं होगी और वही हुआ। मैंने ब्रह्मास्त्र को लेकर एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से कहा था कि 25% एक्सपेक्टेशन लेकर ही जाइएगा। मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि 25% भी ये मूवी जस्टिस नहीं कर पाई अपने नाम के साथ, या फिर जो वो लोग कह रहे थे एस्ट्रोवर्स है, एक सुपर हीरो टाइप की मूवी है, उस जॉनर को ठीक से छू भी नहीं पाई है। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हुआ था तो आप लोगों को तकलीफ कम हुई होगी। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर चेक कीजिएगा। अयन मुखर्जी ने स्टोरी काफी अच्छी सोची थी, लेकिन स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। तो पहले बात करते हैं अगर कुछ अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, अगर ये होता तो क्या होता, व्हाट इफ कह सकते हैं आप। तो पहले व्हाट इफ्स के बारे में बात करते हैं। पहली बात, मूवी में ये दिखा दिया गया कि ब्रह्मास्त्र को पहले तोड़ा गया था और इस पार्ट वन में उसको जोड़ा गया, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा दिव्यास्त्र है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। आपने अगर पूरी तरह से हिंदू माइथोलॉजी को नहीं भी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ही ने कहा था कि सारे दिव्य अस्त्रों से ताकतवर अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र को कोई कैसे तोड़ सकता है। वो काफी बड़ा इवेंट होना चाहिए था ब्रह्मास्त्र को जो तोड़ा गया था, जो सिर्फ कह दिया गया इस मूवी में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के द्वारा। वो काफी बड़ा इवेंट हुआ था हम मान सकते हैं, तो उस इवेंट का कुछ इफेक्ट प्रेजेंट डे में नहीं दिखाया गया है मूवी में। तो पहला व्हाट इफ, ब्रह्मास्त्र टूटा हुआ है ऐसा दिखाया ही नहीं जाना चाहिए था, और अगर दिखाया भी है तो इस पार्ट वन में ब्रह्मास्त्र जोड़ना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होता कि ब्रह्मास्त्र के तीन हिस्से हैं, तीन टुकड़े हैं और वो अलग अलग जगहों पर है, किसी को नहीं पता कहाँ है, वही एक मेन सस्पेंस होना चाहिए था। पार्ट वन के आखिर में ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा जुनून के हाथ लग गया, ऐसा दिखाया जाता तो मजा आ जाता। ब्रह्मास्त्र का सिर्फ एक टुकड़ा काफी ताकत रखता है तबाही लाने के लिए, अगर ऐसा दिखाया जाता तो अच्छा होता। ब्रह्मांश जिसको काफी स्मॉल सर्कल में दिखाया गया है, ब्रह्मांश सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में फैला हुआ है, और वो लोग सीक्रेटली अस्त्रों की सुरक्षा भी कर रहे हैं। वो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई फिल्म स्टार है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई पॉलिटिक्स में है, अगर ऐसा दिखाया जाता तो अच्छा होता। तो ब्रह्मांश एक सीक्रेटली काम कर रहा है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो काफी पावरफुल भी है, ऐसा दिखाया जाता तो अच्छा होता, मजा आता। जो गुरुकुल दिखाया गया है उसको और हाईटेक दिखाया जाना चाहिए था, उसमें और स्टूडेंट्स हैं ऐसा दिखाया जाना चाहिए था। बहुत कुछ किया जा सकता था इस कहानी के साथ, एक सिर्फ ट्रिलॉजी ही नहीं एक यूनिवर्स बन जाती, और काफी सालों तक ये यूनिवर्स बना रह सकता था। स्टार वॉर्स जो फ्रेंचाइजी है इतनी पुरानी है, लेकिन अभी भी फिल्में बन रही हैं, उसी तरह से ब्रह्मास्त्र एक माइथोलॉजिकल और फिक्शन और बाद में इसमें थोड़े से साइंस मिक्सअप किए जा सकते थे, ये मतलब एक बड़ी फ्रेंचाइजी साबित हो जाती बॉलीवुड के लिए, इंडिया के लिए। लेकिन क्या ही बोलूं, गुस्सा आ रहा है अभी। हम इंडियंस के लिए एक स्पेशल हमारा खुद का सुपर हीरो यूनिवर्स हो जाता, और जैसा कि शक्तिमान के ऊपर मूवी बनने वाली है, तो आगे फ्यूचर में शक्तिमान को भी इस यूनिवर्स में लाया जा सकता था, जो हमारे इंडिया में हिंदी जो कॉमिक्स वर्ल्ड है, राज कॉमिक्स या तुलसी कॉमिक्स, जो भी ऐसे कॉमिक्स है उनमें से राज कॉमिक्स बहुत फेमस है, और राज कॉमिक्स के बेहतरीन सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं, तो उन कैरेक्टर्स को भी लाइव एक्शन में लाया जा सकता था ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स की मदद से। तो मैं सोच के, मतलब मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, मैं इतना सोच रहा हूँ। बहुत कुछ किया जा सकता था भाई, बहुत कुछ किया जा सकता था। आप लोग थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा दूर का सोचिए,
10 साल बाद 20 साल बाद मजा आ जाता है। एवेंजर्स लेवल के इवेंट्स दिखाए जा सकते थे। आप लोग नो मूवी को बहुत स्मॉल सर्कल में ही खत्म कर दिए हैं। आप लोगों ने सिमट के रख दिया है मूवी को। खैर अब क्या भी किया जा सकता है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा चांस है। अब मूवी कितनी ज्यादा खराब हो गई है उस बारे में बात करते हैं। पहले इंट्रो मूवी का ठीक था, पहले जो शुरुआत हुई मूवी की, साइंटिस्ट मोहन भार्गव के ऊपर अटैक हुआ और शाहरुख खान थे इस गेस्ट रोल में, सो ऑब्वियसली अच्छी शुरुआत थी। फिर गाना आता है, वो पहला गाना भी ठीक ही है, मान लेते हैं कि दशहरे का सेलिब्रेशन हो रहा है और चूंकि एक माइथोलॉजिकल टच है मूवी में तो वो गाना भी ठीक था। और वानरास्त्र का प्रयोग हुआ, वानरास्त्र के पावर्स दिखाए गए, वो अच्छा था, ठीक था। लेकिन उसके बाद मूवी सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी बन गई और मुझे समझ में नहीं आता बॉलीवुड की प्रॉब्लम क्या है, हर मूवी में लव स्टोरी घुसेड़ देते हैं। कितनी मूवीज बन चुकी है यार लव स्टोरी को लेकर, प्यार के ऊपर करोड़ों करोड़ों फिल्में बन चुके हैं, बस प्यार ही दिखाया जाता है, अलग अलग तरह के प्यार, करोड़ों तरीके के प्यार दिखाए गए हैं तक बॉलीवुड मूवीज में। प्यार मतलब इतना ओवर हो गया है, इतना ओवरडोज हो गया है प्यार का, मतलब हर मूवी में प्यार, हर जगह प्यार। तो अब तो 10-12 साल के लड़कों के भी गर्लफ्रेंड्स हैं, लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड्स हैं, पर हम तो अभी भी सिंगल हैं। लेकिन बॉलीवुड के हर मूवी में प्यार, और ब्रह्मास्त्र में भी शिवा और ईशा के प्यार के ऊपर ही सारा फोकस किया गया और यही से मूवी खराब होती चली गई। अयन मुखर्जी ने ओरिजिन में भी कोई हिंदू माइथोलॉजी का रेफरेंस नहीं दिया, महाभारत का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, तो ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने सोचा कि डायरेक्टली हिंदू माइथोलॉजी के साथ नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जो कैरेक्टर है देव, जो अगले पार्ट में आ रहा है, उनका लुक पूरी तरह से भगवान शिव जी के जैसा बना दिया गया है, उनके हाथ में त्रिशूल भी दिया गया है, कंप्लीट लुक शिव जी के जैसा है। आप डायरेक्टली भगवान से नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक कैरेक्टर को आपने डायरेक्टली हमारे पूजनीय शिव जी के जैसा लुक दे दिया है, जिसकी वजह से आगे कॉन्ट्रोवर्सीज होने के चांसेस हैं। तो आप अगर कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहना चाह रहे थे तो लुक भी अलग रखना चाहिए था देव का। और आप कह रहे हैं कि 8 साल से आप इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे जो कि दिख नहीं रहा है, और 8 साल से आप कर क्या रहे थे? आप अगर प्रॉपरली हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते तो आप एक स्ट्रॉन्ग ओरिजिन दिखा सकते थे, स्कोप था मूवी में। महाभारत के बाद ये अस्त्र दुनिया में अलग अलग जगहों पर रह गए, ऐसा आप दिखा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं दिखाया। तो 8 साल की मेहनत, तो ये मुझे लग रहा है वैसे ही कह रहे हैं, आपने पूरा फोकस शिवा के कैरेक्टर के ऊपर कर दिया है, रणबीर कपूर के कैरेक्टर के ऊपर कर दिया है, और रणबीर कपूर का कैरेक्टर वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी के दोनों कैरेक्टर का मिक्सचर लग रहा है मूवी में। और मैंने कहा था कि अयन मुखर्जी ने इससे पहले 2 ही मूवीज डायरेक्ट की थी और दोनों मूवीज में वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर्स के साथ ही जुड़े रहते हैं, और इस बार भी वही हुआ है। ब्रह्मास्त्र में भी रणबीर कपूर को ही दिखाया गया है, लेकिन रणबीर कपूर को दिखाने के चक्कर में उनका बचपन नहीं दिखाया गया। फायर के साथ उनका कनेक्शन जन्म से है, लेकिन वो कोई बचपन के इवेंट्स नहीं दिखाए गए, डायरेक्टली वो प्रेजेंट डे में दिखाए गए हैं, ईशा से मिलते हैं और बस प्यार में पड़ जाते हैं, प्यार ही कर रहे हैं मूवी में शुरुआत से लेकर आखिर तक। और ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है इन दोनों का प्यार, शिवा और ईशा का प्यार। ये ट्रिलॉजी के आखिरी पार्ट में भी दिखाया जा सकता था, हालांकि वो सेंस नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी अगर एक ग्रेजुअली मूवी आगे बढ़ती रहती और आखिरी पार्ट में अगर ऐसा दिखाया जाता कि ब्रह्मास्त्र के ऊर्जा को शिवा ने अपने अंदर समेट लिया, वो थोड़ा सा मतलब लॉजिकल थोड़ा सा वो हम लोग मान लेते, लेकिन पार्ट 1 में ही ये दिखाया गया है, ये दिखा दिया गया। सो ये टोटली अन्याय हो गया मूवी के नाम के साथ। आपने मूवी का नाम रखा है ब्रह्मास्त्र, लेकिन वो सिर्फ बस एक नाम दिया है ताकि ऑडियंस आए। फिर एक्शन सिक्वेंसेस बहुत ही स्लो है, टिपिकल स्लो है, हर बॉलीवुड मूवी में एक्शन को स्लो कर दिया जाता है जो बोर करती है। फिर आती है वानरास्त्र की बात करना चाहूंगा मैं। वानरास्त्र मोहन भार्गव के पास था, लेकिन वो उन 3 मेन विलन्स में से एक के पास चला गया, शायद रफ्तार ने ले लिया वानरास्त्र, रफ्तार या जोर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, उन दोनों में से एक ने वानरास्त्र ले लिया और वानरास्त्र का यूज करने लगा। इतने बड़े दिव्यास्त्र है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हर कोई इसे यूज कर पा रहा है, इसके यूज के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए थे, कुछ दिव्य मंत्रों के जरिए कोई कोई लोग ही दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल कर सकता है ऐसा दिखाना चाहिए था, या फिर सिर्फ ब्रह्मांश के मेंबर्स ही इन अस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा दिखाया जाना चाहिए था। तो वानरास्त्र ये विलन यूज कर रहा है और बाद में नंदी अस्त्र भी ये विलन यूज कर पा रहे हैं, तो वही बात है, हर कोई यूज कर पा रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये मेन थीम के साथ ही गलत है। और जब ये रफ्तार या
फिर जोर जो भी है वानरास्त्र यूज कर रहा है उसका यूज करके शिवा और ईशा के ऊपर अटैक करता है, तो उसका जो यूज है, जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रेजेंटेशन है, वो थोड़ा सा वेम्पायर मूवीज के जैसा लगा मुझे। वेम्पायर मूवीज में वेम्पायर जैसे काफी फास्ट यू नो ट्रेवल करते हैं, एक तरह से वो टेलीपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वानर मंकीज इतने दूर तक छलांग नहीं लगा सकते, इतने फास्ट छलांग नहीं लगा सकते एक्चुअली, तो ये एग्जीक्यूशन भी गलत था मेरा मानना है। फिर शिवा फायर का यूज नहीं कर सकता है, आग का यूज नहीं कर सकता है, उसे उसका यूज करने के लिए ईशा की जरूरत होती है। ठीक है मान लेते हैं कि ईशा की जरूरत होती है, बिना ईशा के वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन अगेन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मूवी में देख के अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार ईशा चिल्लाती है तभी वो यूज कर सकता है, ये बोर कर रहा था ये सीक्वेंस, और ये सब बोर इसलिए कर रहा था क्योंकि अयन मुखर्जी ने ही कहानी भी लिखी है, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा है, डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया है। मुझे लगता है स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उन्हें दूसरे राइटर की मदद लेनी चाहिए थी, और हिंदुस्तान में राइटर्स की कमी नहीं है, टैलेंट्स का अभाव नहीं है, उन्हें बात करनी चाहिए थी किसी और राइटर से, एक से ज्यादा राइटर के साथ मिलकर वो एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले लिख सकते थे, पर नहीं लिखा, गलती की है, नहीं करना चाहिए था। कैरेक्टर्स जैसा कि मैंने कहा मूवीज में बहुत कम है, और रणबीर कपूर को छोड़कर बाकी और जितने भी कैरेक्टर्स हैं ध्यान नहीं दिया गया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, कैरेक्टर्स को ढंग से एस्टैब्लिश भी नहीं किया गया है। इवन रणबीर कपूर का कैरेक्टर भी सिर्फ एस्टैब्लिश कर दिया गया शिवा नाम के जरिए, पर खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। सो कैरेक्टर्स ज्यादा होने चाहिए थे, ज्यादा कैरेक्टर्स होते, ब्रह्मांश के और मेंबर्स अगर दिखाए जाते तो मजा आ जाता। गुरुकुल का लुक एक्समैन का वाइब दे रहा था, तो एक्समैन के जैसा होना चाहिए था, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की तरह गुरुदेव को दिखाना चाहिए था, लेकिन प्रॉपरली नहीं किया गया। डिंपल कपाड़िया जी जो टेनेट में ज्यादा स्क्रीन अपीयरेंस था उनका हॉलीवुड की मूवी में, पर इस मूवी में शायद दो ही बार दिखी, वो दोनों ही बार वो हेलीकॉप्टर चला रही है। बहुत ज्यादा और बहुत खूबसूरत कलरफुल कैरेक्टर्स क्रिएट किए जा सकते थे, लेकिन अयन मुखर्जी को सिर्फ रणबीर कपूर को दिखाना था। शायद बीजीएम की कमी है, सिग्नेचर ट्यून नहीं है, सिग्नेचर बीजीएम नहीं है मूवी में, और जो भी बीजीएम ओवरऑल थे मूवी में बज रहे थे वो माइथोलॉजिकल वाइब दे रही थी, लेकिन अगेन कहानी में माइथोलॉजी को डायरेक्टली अयन मुखर्जी ने दिखाया भी नहीं है। मूवी में ढंग के डायलॉग्स नहीं है, एक भी अच्छा डायलॉग मुझे नहीं लगा मूवी में है। गुरु हो गए शुरू, ऐसे डायलॉग्स कौन लिखता है यार, जो रील्स बनाते हैं हमारे टैलेंटेड जो भी रीलर्स हैं, 10 सेकेंड के रील में इससे अच्छा डायलॉग होता है, और 10 सेकेंड के रील में बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन होता है, काफी अच्छे अच्छे रील्स हैं जिसमें बहुत खूबसूरती से स्टोरी टेलिंग होती है। ब्रह्मास्त्र यार 2.5 घंटे से ज्यादा लंबी मूवी है, लेकिन बहुत पोअर एग्जीक्यूशन है, बहुत खराब एग्जीक्यूशन है। सो ओवरऑल मूवी काफी खराब बन गई है, सिर्फ VFX अच्छे हैं मूवी में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, आलिया भट्ट के ऊपर मीम्स बन रहे हैं, लेकिन मुझे आलिया भट्ट की ही परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी एंटायर मूवी में। उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत होल्ड कर रखा है, बहुत जस्टिस किया है उन्होंने उस कैरेक्टर के साथ। एक सिंपल कैरेक्टर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कैरेक्टर में, तो इस सिंपल स्ट्रेट कैरेक्टर को उन्होंने अच्छे से निभाया है। रणबीर कपूर जैसा कि ये जवानी है दीवानी में उछल कूद कर रहे थे, इस मूवी में भी वही उछल कूद कर रहे हैं, वो हिमाचल चले गए हैं उछल कूद करने। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मुझे बोर कर गया, जरूरी नहीं है कि ऐसे बड़े मूवी में अमिताभ बच्चन ही हो, इस कैरेक्टर को मिथुन चक्रवर्ती जी भी निभा सकते थे, या फिर दूसरे और भी टैलेंटेड एक्टर्स है वो भी निभा सकते थे, अमिताभ बच्चन ने कुछ खास प्रेजेंस नहीं दिया है। शाहरुख खान और नागार्जुन सर, इन दोनों को वेस्ट कर दिया गया है, दोनों ब्रह्मांश के मेंबर हैं, लेकिन दोनों बड़ी आसानी से अपने अस्त्रों को खो देते हैं। इनमें से नागार्जुन सर को दूसरे पार्ट में भी लाया जा सकता था, और शाहरुख खान के कैमियो को थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। हालांकि मुझे आलिया भट्ट को छोड़कर इन दोनों के परफॉर्मेंस ही अच्छे लगे। मूवी काफी ज्यादा लंबी बना दी है, 2 घंटे के आसपास रखी जा सकती थी, और शिवा अपने पावर्स को जान रहा है, अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा है, अपने पावर्स का वो यूज करना सीख रहा है, वो एक गाने में सिमटा दिया है, देवा देवा गाने में उन्होंने सिमट के रख दिया है इस चीज को, तो वो काफी पैथेटिक है। गाने प्रोडक्शन टीम अलग से रिलीज कर सकती थी। और अब फ्यूचर क्या है मूवी का, वो बात करते हैं उस बारे में। अब फ्यूचर बचा ही क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ तो दिखा दिया है। ब्रह्मास्त्र 3 टुकड़ों में था, तीनों उससे मिल गए, जुड़ गए, ब्रह्मास्त्र को शांत भी कर दिया शिवा ने। अब अगले पार्ट का नाम है देव, तो उसमें फिर से देव और अमृता की लव स्टोरी दिखाई जाएगी, फिर से प्यार दिखाया जाएगा। अगर देव का कैरेक्टर रणवीर सिंह निभाते हैं और अमृता अगर दीपिका पादुकोण होती है, तो रियल लाइफ लव स्टोरी को ये
रियल लाइफ लव स्टोरी में दिखाएंगे, दोनों प्यार करेंगे और फिर दोनों में तकरार होगा और मूवी ऐसे ही खत्म होगी शायद। तो दिखाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। अमिताभ बच्चन प्रीक्वल में उन्हें यंग दिखाना पड़ेगा, तो CGI में ज्यादा खर्चा होगा। अमिताभ बच्चन को यंग दिखाया गया है, ये हाईलाइट किया जाएगा शायद। आप लोग फ्रेंचाइजी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग कीजिए, कैरेक्टर्स बढ़ाइए, तभी ये फ्रेंचाइजी आगे जाएगी। और पता नहीं बॉलीवुड हर बार बजट के बारे में कहता है, ब्रह्मास्त्र का बजट तो 410 करोड़ दिखा रहा है फिलहाल। तो 410 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट होता है, इस अमाउंट का यूज अच्छे से किया जा सकता था। और अच्छे दिल से मूवी बनाइए, हम लोग मूवी जरूर देखेंगे। अब भी लोग मूवी देख रहे हैं, डेट्स व्हाई मूवी 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। लेकिन देखने के बाद दुख होता है, मूवी को कैसे बर्बाद कर दिया गया। तो दूसरा पार्ट अगर बनने जा रहा है तो अच्छे से बनाइए, अभी भी वक्त है, हम आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बॉलीवुड को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ, मेरे सभी सब्सक्राइबर दोस्त देखना चाहते हैं, मेरे सभी व्यूअर्स, मेरे सभी बडीज बॉलीवुड में एक बड़ा चेंज देखना चाहते हैं। और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र देखने के बाद ही मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए आई एम सॉरी। आप लोग बताइए आप लोगों को कितना गुस्सा आया मूवी देखने के बाद, कितना दुख हुआ, कॉमेंट्स में बताइए। सो मेट्स आज के लिए इतना ही। आपको अगर आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी बड़ी के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।